श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी भक्तों को। भक्तों, तो आज जो है मैं अपनी मम्मी के घर दिल्ली में आई हुई हूँ, और जो उनका ये मंदिर है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो उनके मकान में अभी काम होना रह रहा है, उन्होंने नया मकान लिया है, तो मैं आज आपको उनके जो है लड्डू गोपाल के मामा के मंदिर के दर्शन कराती हूँ, जो कि अभी पूरा नहीं बना, मगर जितना भी बना है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये काफी चौड़ा जो है, जहाँ पर ये मंदिर है, काफी चौड़ाई है इस मंदिर की, लगभग 8 फुट तो चौड़ाई है, और नियर अबाउट मोर देन जो है 11 फुट जो है इसकी लंबाई है मंदिर की, तो काफी अच्छा बड़ा स्पेस है। उसके बाद अंदर आइए तो मैं दिखाती हूँ, ये पूरा जो मंदिर है पूरा ये कोरियन में बना हुआ है, और देखिए इसमें जो इसकी कार्विंग है वो देखिए कितनी ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये जो जाली वाला डिजाइन है और ट्रेडिशनल डिजाइन लग रहा है बिल्कुल। तो देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे कार्विंग हुई हुई है, और यहाँ पर जो है ओम भूर भुवस्य तत्सवितुम वरेण्यम, पूरा यहाँ पर जो है गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, और बीच में सेंटर में ये ओम देख सकते हैं, और पीछे में जो बैकग्राउंड में जो लाइट दी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इसको ब्यूटी को सबसे ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं। देखिए ये जो दिए रूपी डिजाइन यहाँ पे जो दिया है ये कोरियर में, और ये बेल्स का जो डिजाइन है, ये पार्ट मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा पास से मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये लाइट वाला पोर्शन कितना खूबसूरत, और ये बेल वाला पोर्शन कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा अभी गंदा हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे जो है हम विग्रह रख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो अपने उनके विग्रह रखे जाएंगे, और जो लड्डू गोपाल है वो भी यहीं पर बैठेंगे। और ये देखिए बीच की फ्लोर जो है ये पूरी जो इस पे डिजाइनिंग है, ये पूरी डिजाइनिंग ये शायद वुडन में है, और ये अंदर वाला वुडन में है, ये बाहर का भी कोरियर में है। और देखिए ये पूरा इस तरह से खुल जाएगा, और खुलने के बाद यहाँ पर हम जो दिया धूप अगरबत्ती जो भी हम जलाना चाहें, तो पूजा के लिए यहाँ पर हम अपने थाल रख के पूजा रख कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए इसके जो यहाँ पर भी हम अपना डेकोरेशन का जो सामान अगर हम यहाँ ना रखना चाहें, तो यहाँ पर भी हम डेकोरेशन कर सकते हैं, फ्लावर वगैरह की, या कुछ चित्रपट हम रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। और ये देखिए इसके अलावा ये 3 ड्रॉर है, इसमें हम पूजा की सामग्री इत्यादि रख सकते हैं, या अपने पूजा के बर्तन रख सकते हैं। और उसके अलावा देखिए 3 ड्रॉर इसके भी नीचे हैं, यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल के वस्त्र, अपने सभी भगवान जी की पोशाकें रख सकते हैं। तो अच्छे खासे यहाँ पर देखिए 7 जो है इसमें ड्रॉर दिए गए हैं, जो कि काफी बड़ा स्पेस है। और ये पिलर्स का डिजाइन भी देखिए, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और मेरी और यहाँ पर देखिए कलश का डिजाइन बना हुआ है, ये भी ये पिलर्स जो है इसकी ब्यूटी को और ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं। और ये लाइटिंग देखिए, अभी ये पूरा बना रही है तो यहाँ पर भी शायद एग्जॉस्ट लगेगा, और एक सेट्टी का डिजाइन यहाँ पर इन लोगों ने दिया है कि पूजा करते समय जैसे कि जो थोड़े बड़े बूढ़े होते हैं तो वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके बैठने के लिए यहाँ सेट्टी बनाई जाएगी, और ऊपर फैन लगा हुआ है, तो इस तरह से। और देखिए नीचे पूरा व्हाइट मार्बल लगा हुआ है, पत्थर आप देख सकते हैं। तो मुझे ये जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर, और मैं इसको जो है पूरा कब होगा बहुत ज्यादा मैं जो है इसके इंतजार में हूँ कि लड्डू बाबू बैठे हुए यहाँ पर कैसे कितने सुंदर लगेंगे। आपको ये डिजाइनिंग कैसा लगा मंदिर का? मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको भी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे, हरी बोलो।